मर्दों और औरतों में प्रोलैक्टिन की ज्यादती की वजूहत कॉजेज ऑफ हाई प्रोलैक्टिन लेवल इन मेल एंड फीमेल। प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज्यादती से मर्द और खवातीन दोनों बांझपन का शिकार हो सकते हैं। क्या आप में प्रोलैक्टिन लेवल हाई है? इसके मुतालिक मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को अगर तक लास्ट में देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में फीमेल एंड मेल में हाई प्रोलैक्टिन के बारे में बात करूंगी कि ये कैसे बांझपन का सबब बन सकता है। इसके अलावा इसकी अलामत वजूहत और इसके इंसानी जिस्म पर असरात क्या हैं और इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। मर्दों के अंदर लेस देन 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर और अनमैरिड खवातीन के अंदर लेस देन 25 मिलीग्राम और वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं इनके अंदर 80 to 400 नैनोग्राम नॉर्मल रेंज है। अगर प्रोलैक्टिन लेवल 30 से लेकर 200 नैनोग्राम तक आ रहा हो तो इसे हाई लेवल ही कहा जाएगा और इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। मर्दों को अगर चेस्ट इंजरी हुई हो या किसी एक्सीडेंट में सीने के ऊपर चोट लगी हो, इसकी वजह से मर्दों में प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा हाइपोथायरायडिज्म में प्रॉब्लम आता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या मर्द हजरात डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। वो खवातीन जिनको पीसीओएस का मसला हो, इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशन है जिनके साइड इफेक्ट की वजह से खवातीन में प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। इसके अलावा वो लोग जो मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, इनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है। जो एंटी डिप्रेस लेते हैं, इनमें भी ये लेवल हाई हो जाता है। अब कुछ अलामात का जिक्र करती हूँ। मर्दों में जब इन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम आ रहे हो तो इन्हें चाहिए कि अपना प्रोलैक्टिन लेवल लाजमी टेस्ट करवाएं। हाई प्रोलैक्टिन लेवल मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से ईडी के प्रॉब्लम आते हैं और मर्दों में एबनॉर्मल बॉडी हेयर के मसाइल भी सामने आते हैं, यानी मर्दों की दाढ़ी सही नहीं आती। इसके अलावा हाई प्रोलैक्टिन लेवल मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को कम कर देता है। ईडी की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है, जिससे मर्द बांझपन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हाई प्रोलैक्टिन लेवल मर्दों में सेक्स डिजायर को कम करके मर्दों के ब्रेस्ट साइज को बढ़ा देता है। अब कुछ खवातीन में इसकी अलामत का जिक्र करती हूँ। खवातीन में इसकी पहली अलामत ये होती है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम आती है, ये ओविलेशन को रोकता है और हाई प्रोलैक्टिन लेवल की वजह से खवातीन के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या मिस पीरियड्स आते हैं। ये FSH हार्मोन को कम कर देता है, जिसकी वजह से अंडा प्रॉपर मिच्योर नहीं होता, जिससे ओविलेशन नहीं होती और डिले हो जाता है। इसके अलावा मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये इसलिए होता है कि हाई प्रोलैक्टिन लेवल ना सिर्फ औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करता है बल्कि प्रोजेस्टेरोन को भी कम कर देता है। ओविलेशन के बाद वाले टाइम में अगर प्रोजेस्टेरोन कम बनेगा तो इसका मतलब है कि बच्चा औरत की यूट्रस वॉल के साथ प्रॉपरली अटैच नहीं होगा, यानी प्रॉपर इम्प्लीटेशन नहीं होगी और पीरियड्स हो जाएंगे। मर्दों और औरतों में हाई प्रोलैक्टिन की वजूहत की मुकम्मल खात्मे और प्रेगनेंसी को यकीनी बनाने के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। खवातीन और मर्दों के तमाम मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने विलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद प्रोलैक्टिन लेवल का हाई हो जाना जैसे मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवा खाने का हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती है। इस इलाज में इन तमाम अद्वियात को शामिल किया गया है जो प्रोलैक्टिन लेवल की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखते हैं। ये खवातीन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी को पूरा करके बच्चेदानी की वॉल को मजबूत करता है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं और औरत की प्रेगनेंसी एंड तक जाती है। तासीर दवा खाने का हर्बल और बेजरल इलाज खवातीन में FSH की कमी को पूरा करके पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे अंडा मिच्योर भी होता है और ओविलेशन भी प्रॉपरली होती है। ये इलाज प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल करके एबनॉर्मल बॉडी हेयर को खत्म करता है और साथ ही वजाइनल ड्राइनेस का भी खात्मा करता है। इसके अलावा हमारा हर्बल इलाज मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी को खत्म करके ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मतवाजन करके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हमारा हर्बल इलाज सीमन को हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है और मर्दों में स्पर्म मॉर्फोलॉजी को बेहतर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल सेहतमंद मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मुआवन है। नाज़रीन, बहुत सी खवातीन और मर्द हज़रात तासीर दवाखाने से इलाज करवा कर सेहतमंद खुशहाल और पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे हैं। तमाम खवातीन
और मर्द जो बांझपन से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार है वो एक बार तासीर दवा खाने का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं। अब मैं बताती हूँ कि प्रोलैक्टिन लेवल को चेक करने के लिए टेस्ट कैसे करवाना है। रात को कुछ भी नहीं खाना और सुबह फिर प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाना है। इसके अलावा कोई भी हैवी एक्सरसाइज करने के बाद टेस्ट नहीं करवाना और खवातीन को अपनी ओवुलेशन से पहले ये टेस्ट करवाना है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद कुदरती तौर पर प्रोलैक्टिन लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। इन तमाम कंडीशन को सामने रखते हुए अपना प्रोलैक्टिन लेवल का टेस्ट करवाएं। अब कोई जरूरी एहतियाती तदाबीर का जिक्र करती हूँ। औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। खाने में ताज़ा सब्जियां और ताज़ा फल इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड वगैरह से परहेज करें। खुद को स्ट्रेस से दूर रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। अपने क्रॉनिक इन्फेक्शन का मुकम्मल इलाज करवाएं। वर्जिश रोजाना की बुनियाद पर करें, लेकिन हद से ना बढ़ें। हार्मोन्स गैर मतवाजन हो जाएं। खवातीन को इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इनकी माहवारी रेगुलर है। सिगरेट और अल्कोहल के इस्तेमाल से ग्रेज करें, क्योंकि ये बांझपन का सबब बनती है। अगर आप बांझपन या किसी भी ऐसे पेचीदा पोशीदा अमराज का शिकार है तो आज अपॉइंटमेंट लेकर तहसील दवा खाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। वो खवातीन या मर्द हजरात जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकते, वो अपनी रिपोर्ट हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकते हैं। इसके मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवा खाना विजिट करें। उम्मीद है कि नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।